नेशनल पैरा एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट होता है. ऑल इन ऑल टेक्निकल ऑफिशियल्स, पर्सनल अटेंडेंट्स, गाइड रनर्स एंड एथलीट्स मिला के लगभग 1500 टू 1600 लोग इकट्ठे होते हैं, जिसमें से अबाउट 1200 लोग विद अ फिज़िकल डिसेबिलिटी चैलेंज के साथ होते हैं. सो अपने आप में ये जो चैम्पियनशिप है एक इतना बड़ा इंस्पिरेशनल ग्राउंड होता है, जिसमें आप देखते हैं कि एथलीट्स डिसेबिलिटी होने के बावजूद एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड मेन स्ट्रीम स्पोर्ट की तरह खेलते हैं. और बहुत खुशी है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में गवर्नमेंट के सपोर्ट से, किट्स यूनिवर्सिटी के सपोर्ट से, लोकल पैरालंपिक कमेटी उड़ीसा के सपोर्ट से, और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं इंडियन ऑयल, उनके सपोर्ट से इस बार एक इंटरनेशनल लेवल का जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, जो फील हम इन रूरल एथलीट्स को दे रहे हैं. पैरा स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हमेशा मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर रहा है, लेकिन अब पॉलिसीज इतनी अच्छी बन गई हैं, गवर्नमेंट का फोकस मेन स्ट्रीम हो रहा है हमारे खेलों की तरफ. रियो पैरालंपिक में आपने देखा मेडल आए, टोक्यो में हमारे हाल ही में 19 मेडल आए हैं. तो अब इसकी पहचान बन रही है, जब स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, उनको अपने घर में न्योता दे रहे हैं, मन की बात में उनके बारे में पूरे देश को बता रहे हैं. तो हर तरफ से अब डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा फोकस मिल रहा है. और ये जो इवेंट है ये एक लैंडमार्क होगा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे इतने सुंदर तरीके से बैनर्स, अरेंजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सारी के सारे व्हीलचेयर वाले एथलीट्स को अकोमोडेशन देना, उनको रिसीव करना रेलवे स्टेशन में, शटल सिस्टम चलाना रहने की जगह और खेलों की जगह में, और ये टीम वर्क जो बनेगा वो मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे नए खिलाड़ियों को भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड दुनिया में एक भरोसा होगा कि इंडिया में भी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से कंडक्ट हो सकते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स को इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स में लेकर आ पाएंगे. हाँ निहाती मैंने जिते जिते इवेंट हम ये ओडिशा रे आमर पैरा स्पोर्ट्स डेवलप भी हम नुआ नुआ पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर्स जोग देबे आशा करमती चली गोटे पर गोटे इवेंट चली आग को भी ये नेशनल इवेंट हम जहाँ आम पैरा ओलंपिक कमिटी प्रेसिडेंट जहाँ कहते जे एभली एमती गोटे परे गोटे हेले आग को इंटरनेशनल चैंपियनशिप भी ये ओडिशा रे करिया को समान चेष्टा करिवे. एटा तो बड़ इवेंट बहुत पार्टिसिपेंट्स अछंती किंतु चेष्टा समस्त चली चंती सब डिपार्टमेंट पारा ओलंपिक कमिटी रु टेक्नीशियंस माने आछंती समस्ते लाइक मिसिकली जमती प्लेयर्स मानक कि असुविधा न हुए समस्त सुविधा रे से खेलिबे चार दिन काल रहिबे एठी सुविधा रे भलरे से माने गोटे हैप्पी मूड रे जीबे घर को.